हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट कैसे हैं बच्चों आप लोग कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की आप लोग आई थिंक अब ठंड के होते हुए भी अच्छी तरह से अपने रिवीजन को कर पा रहे होंगे इसीलिए मैं आप लोगों को ये रेगुलर ऑडियो बुक्स प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ ही साथ में आपको मैं अपने वन मिनट बायोलॉजी वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग अपनी रज़ाई में बैठ करके ही अपनी प्यारी सी एन के साथ में कान में हेडफोन लगा करके और आप अपनी पूरी की पूरी बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज कर सकें आप सभी को पता है कि बायोलॉजी में हर एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एन ही से आता है तो आप लोगों को एन की हर एक लाइन याद होनी चाहिए जो बच्चे हिंदी में सुनते हैं जो बच्चे इंग्लिश में सुनते हैं या जिनका जो भी मीडियम है वो उस तरह के एन की ऑडियो बुक आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं और हाँ एक बात ध्यान रखिए कि आपको अपने दोस्तों के साथ में भी इसे ज़रूर शेयर करना है और आपको लगता है कि अगर ये ऑडियो बुक वाकई में आपकी रिवीजन में हेल्प करती हैं आपके रिवीजन की स्पीड को बढ़ाती हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आपका पास आ रहा है आपको बार बार ये ऑडियो बुक सुनने के लिए आना पड़ेगा एंड नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके आज हम लोग करने वाले हैं क्लास इलेवंथ का अध्याय छे पुष्पी पापों का शारीर तो आज हम लोगों का ये अभी प्लांट्स का चल रहा है तो आज इलेवंथ का मैं अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका क्लास ट्वेल्थ का आएगा तो मैं ऑल्टरनेट डाल रही हूँ आपका एक दिन इलेवेंथ एंड एक दिन ट्वेल्थ के वीडियोज तो आप लोग वहां से उन ऑडियो बुक को सुनते रहिए और रिविजन करते रहिए चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं आप बड़े प्राणियों पादप तथा तो जंतु प्राणी दोनों में रचनात्मक समानता तथा तो वाह्य आकार की विभिन्नता देख सकते हैं इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा तो विभिन्नताओं का पता लगता है इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे पौधों के भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है कोशिकाएं उतकों में और उतक अंगों में संगठित होते हैं पौधे के विभिन्न अंगों की, अंगो की भीतरी संरचना में अंतर होता है एंजियो में ही एक बीज पत्री की शारीरिक से भिन्न होती है भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है सिक्स ऊतक ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्रायः सामान्य होते समान होते हैं पौधे विभिन्न प्रकार के उतक होते हैं उतक को दो प्रमुख वर्ग विभिज्योत की यानी मैरिस्टमी तथा स्थायी उतक यानी टिश्यू में बांटा गया है इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा ना होना है सिक्स पॉइंट वन पॉइंट वन उतक पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है इस क्षेत्र को मेरेस्टम कहते हैं पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वे प्राथमिक ऊतक बनाते हैं उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं मूल शीर्षत मेरिस्टेम, मूल की चोटी पर तने के शीर्षत मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं यानी उनकी टिप पर होते हैं पतियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाओं प्ररो शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती है इन्हें कक्षीय कली कहते हैं ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं जब मेरिस्टेम स्थायी युदकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम हैं क्योंकि वे पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं मेरिस्टम जो बहुत से पौधों की मूल तथा प्ररोह के प्रति परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं विशेषता रूप से ये काष्ठीय बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टम के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीयक अथवा पार्शर्वी मेरिस्टम कहते हैं ये सिलेंड्रोकार मेरिस्टम होते हैं पूली कैम्बियम अंतरापुली कैम्बियम तथा कॉर कैम्बियम पार्शर्वी कैम्बियम के उदाहरण हैं प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टम्स में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं ये कोशिकाएं स्थायी उतक बनाती हैं पौधों की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचय ऊतक भरण उतक और संवहन ऊतक बनते हैं 6.1.2 पॉइंट वन पॉइंट स्थायी ऊतक स्थायी उतक की कोशिकाएं प्राय और अधिक विभक्त नहीं होती स्थायी उतक जिनसे कोशिका की रचना होती है उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल उतक कहते हैं स्थायी उतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं 6.1, 2.1 सरल ऊतक सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं जैसे पैरन कायमा कॉलन कायमा स्क्लेन कायमा पैरन कायमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक है पैरनकाइमा की कोशिकाएं समावेशी समाव्यासी यानी आइसोडायमेट्रिक इनका आकार गोलाकार अंडाकार बहुकोड़ी अथवा लंबाकार हो सकता है उनकी भित्ति पतली होती है और यह सेल्यूलोर्स की बनी होती है ये काफी सटी हो सकती हैं अथवा उनके बीच थोड़ा अंतरा कोशिकी स्थान हो सकता है पेरन कायमा बहुत से कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण संचय संपन्न करते हैं कॉलन कायमा प्रायद्वी बीच पतरी पौधों की वाह त्वचा के नीचे होते हैं यह है या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चक्ति में होते हैं इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है लेकिन इनके कोनों पर सेल्युलस हिमी सेल्यूलोस तथा पैक्टिन जमा होती है इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार हो सकता है, है।, है स्वांगीकरण भी कर सकते हैं इनमें अंतरा कोशिकी स्थान नहीं होता है ये पौधों की वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना तथा पत्ती का व्रंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं स्कलैरन कायमा में लंबी सक्रिय कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्नी होती है इसकी भित्ती पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं अधिकांशता हैं और उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है यह आकार रचना उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के आधार पर स्क्लेन कायमा तंतुमयी अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं तंतु मोटी बिट्टी वाले होते हैं लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं ये प्रायः पौधों के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं स्क्लेराइट का आकार गोलाकार अंडाकार अथवा स्लेंड्राकार होता है ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्नकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी गोहिका बहुत ही होती है ये गिरीदार फलों फलों के फल की कोशिकाओं फलों जैसे अमरूद नाशपाती तथा चीकू के गूदे तथा लेग्यूमो के बीज आवरण तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं स्क्लेनकाइमा पौधों की यांत्रिक सहारा देती है सिक्स जटिल उतक जटिल ऊतक में से एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ये मिलकर एक इकाई एक की तरह कार्य करती हैं जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण के तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है ये पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है यह चार तत्वों ट्रैकिड वाहिका जाइलम तंतु तथा जाइलम पैरन से मिलकर बना है वाहन की लंबी तथा नलिकाकार कोशिकाएं हैं इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है लिग्निफाइड और का शुंडाकार होती है ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होते हैं इसकी कोशिका की भीतर की सतह मोटी होती है जिनकी आकृति विभिन्न होती है पुष्पी पादपों में वाहन की तथा पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है वाहिका लंबी सिलेंड्राकार नदी है इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं प्रत्येक की बित्ती लिग्निनी यानी लिग्निफाइड होती है इसमें बड़ी केंद्र गुहिका होती है वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की तथा का, का 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 इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है ये पटी तथा अपटीय हो सकती है जायम पैरम कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा इनकी भित्ति पतली होती है और सेलोस की बनी होती है इनमें स्टार्स तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनन भोजन के रूप में संचित रहता है पानी का त्रिज संवहन रैप्रनकाइमा कोशिकाओं द्वारा होता है प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम तथा बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं तने में प्रोटोजाइलम केंद्र यानी पित्त की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं इस प्रकार के जाइलम को मध्यादिदारुक कहते हैं मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं तथा मेटाजाइलम केंद्र यानी पित्त की ओर होता है इस प्रकार के जाइलम को वाह्य आदि दारुक कहते हैं फ्लोयम प्राय भोजन की वो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं एंजियोस में स्थित फ्लोयम में चालनी नलिकाएं तत्व सहचर कोशिकाएं फ्लोम पैरनकाइमा तथा फ्लोयम तंतु होते हैं जिम्नोसपम में एल्युमिनी कोशिकाएं होती हैं चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह की संरचना लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं इनकी अंता वाली चालनी की तरह छिद्रित होती है जो चालनी प्लेट बनाती है एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधी साइटोप्लाज्म तथा बड़ी राजधानी होती है लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरनकाइमा कोशिकाएं हैं ये चालनी नली के तत्वों से सटी रहती हैं चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्द क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं यह क्षेत्र अनुदाय भित्तियों के बीच में होते हैं सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब ग्रेडियंट यानी प्रेशर ग्रेडियंट विभव को बनाए रखती है फ्लोएंट पैरनकाइमा में लंबी शुंडी सिलिंड्राकार कोशिकाएं होती हैं जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है कोशिका भित्ति सेल्युलोस की बनी होती है और उसमें गर्त होते हैं इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मो डस्मेटा जोड़ होता है फ्लोएन पेरनकाइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों जैसे रेजन लेटेक्स तथा म्यूसलेस संचित करता है एक बीज पत्री पौधों में फ्लोएन पेरनकाइमा नहीं होते फ्लोएम तंतु क्लेरनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते लेकिन ये द्वितीय फ्लोएम में रहते हैं ये काफ़ी लंबे अशाखित तथा नुकीले होते हैं इनके सिरे सुई की तरह होते हैं फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और वे मृत हो जाते हैं पटसन संत तथा भांग जैसे पौधों के फ्लोएम तंतु का बहुत आर्थिक महत्व है सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नली होती है ऐसे फ्लोएम को प्रोफ्लोएम यानी प्रोटोफ्लोएम कहते हैं तथा बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नली होती है और उसे मेटाफ्लोएम कहते हैं 6.2 ऊतक तंत्र हम अब तक विभिन्न प्रकार के उतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे आओ अब हम देखते हैं कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं रचना तथा स्थिति के आधार पर उतक तंत्र तीन प्रकार का होता है ये तंत्र है वाह त्वची उतक तंत्र भरण अथवा मौलिक उतक तंत्र संवहनी उतक तंत्र सिक्स पॉइंट टू पॉइंट वन वाह उतक तंत्र वाह त्वची उतक तंत्र पौधे के सबसे बारी आवरण है इसके अंतर्गत कोशिकाएं रंध्र तथा वाह त्वची उपांग रोम आते हैं वाह त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा तो है इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है और एक अखंड सतह बनाती है वाह त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है वाह त्वची कोशिकाएं पैरनकाइमी होती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है इसमें एक बड़ी राजधानी होती है वाय त्वचा की बारी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है मूल में क्यूटिकल नहीं होती रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पतियों की वाय त्वचा पर होते हैं रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं प्रत्येक रंध्र में दो सेम आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं डम्बल शेप्ड द्वार कोशिकाओं की बारी वित्तीय पतली तथा आंतरिक वित्तीय मोटी होती है द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और ये रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है द्वार कोशिकाएं मतलब गार्ड सेल्स कभी कभी कुछ कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं उनकी आकृति माप तथा पदार्थों की विशिष्ट पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्री तंत्र का निर्माण करती हैं यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं चित्र सिक्स मैं आपको इसके पहले के भी डायग्राम्स दिखा देती हूँ ये आपका जाइलम तथा फ्लोएम का उतक का डायग्राम है और यह आपके सरल उतक में पेरन कायमा कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा का डायग्राम है इसके पहले आपका डायग्राम दिया हुआ था शीर्षस्थ एपिकल मेरी स्टेम जिसपे रूट्स और स्टेम दोनों में दिखाया हुआ है टिप पर वाह त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं इन्हें मूल रोम कहते हैं यह वाहचा की कोशिकाओं का एक कोश की दीर्घीकरण स्वरूप होती है जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है तने पर पाए जाने वाले ये वाह त्वची रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं प्ररोह तंत्र में ये त्वचा रोम बहु की होते हैं ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं ये स्त्रावी हो सकते हैं ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं सिक्स पॉइंट टू पॉइंट टू भरण वायु त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी उतक भरण उतक बनाते हैं इसमें सरल उतक जैसे कोशिकाएं प्रारंभ तथा मज्जीकरण किरण में होती हैं पत्तियों में भरण उतक पतली वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्ण मध्योतक यानी मिजोफिल कहते हैं 6.2.3 संवहनी ऊतक तंत्र

जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोयम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं जैसे तने तथा पत्तियों में संयुक्त समूहन बंडल में प्रायः फ्लोयम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है 6.3 पॉइंट पत्री तथा एक बीज पत्री पादपों का शरीर। मूल तने तथा पत्तियों में उतक की संरचना की भली अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए 6.3.1 चित्र 6.6 आ को देखो ये है आपका चित्र सिक्स पॉइंट सिक्स आ इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है भीतरी उदको की विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है सबसे बारी वित्तीय त्वचा है इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो एक कोश मूल रोम बनाती है वलकुट में पतली भित्ती वाली कोशिकाओं की कई परतें होती हैं इनके बीच में अंतरा कोशिकी स्थान होता है के सबसे भीतरी की, की एकल होती है इन में स्थान नहीं होता। जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेन होता है अंत त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ती पैरनकामी कोशिकाएं होती हैं जिसे परिरंभ कहते हैं इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैमियम तथा पाशर्वी मूल प्रेरित होती है पित्त छोटी अथवा स्पष्ट होती है पैरनकाइमी कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोयम बंडल के बीच में हैं उन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं दो से चार तक जाइलम तथा फ्लोयम के खंड होते हैं इसके बाद जाइलम तथा फ्लोयम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है अंत त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर रंभ बनाते हैं सिक्स एक बीज मूल

एक प्ररूप शैशव द्वीप बीज पत्री तने के अनुपस्त्र काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं वाह त्वचा तने की सबसे बारीरक्षी सतह है यह क्यूटिकल परत से ढकी रहती है इस पर कुछ बहु कोशिकीय एक पंक्तिक त्वचारोम तथा कुछ रंध्र होते हैं वाह त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती है जिसे वलकुट कहते हैं इसके तीन क्षेत्र होते हैं वारी अधस् त्वचा हाइपोडमिस या ये कॉलन कायमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो वाह त्वचा के नीचे होती हैं ये शैशव तने को यांत्रिक सहारा देती हैं वलकुट सतहें दस त्वचा के नीचे होती हैं इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं उसमें सुस्पष्ट अंतरा कोशिकीय स्थान होता है अंत त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है इसलिए इनसे स्टार्च आच्छद भी कहते हैं परिरंभ अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है इसमें स्क्लैरनकायमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं संवहन मंडलों के बीच अरी रूप में विन्यास्त पैरनकायमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जी किरण बनाते हैं बहुसंख्यक संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं संवहन बंडलों को छल्ले में बना होना द्विवीज पत्री तने का गुण है प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्यादि दारू तथा खुले होते हैं तने में पिथ केंद्र में होती है इसमें गोलाकार कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है एक बीच पत्री तना। एक तना तने की शारीरिक रचना द्विबीज पत्री तने से कुछ भिन्न है लेकिन उत्को की विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है चित्र 6.7 आ में आप देखेंगे कि एक द्विबीज पत्री तने की वाय त्वचा पर त्वचारूम नहीं होते एक बीज पत्री तने में त्वचा अधरनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है वलकुट में कई सतहे होती हैं इसमें बहुत से बिखरे हुए सम्वहन बंडल होते हैं इसके सम्वहन बंडल के चारों ओर स्कलैन स्कल बंडल आच्छ होता है 6.7 बा बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं परिधीय संवहन बंडल प्रायः छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं संवहन बंडल में फ्लोएम पैरन नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं ये आप सिक्स के आ और बा चित्र दोनों देख सकते हैं ये आ है और ये बा एक बीज पत्री यानी पत्ती पत्ती के फलक के लम्बत काट तीन प्रमुख भागों जैसे वाहन मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं वाय त्वचा जो ऊपरी सतह तथा निचली सतह को घेरे रहती है उस पर क्यूटिकल होती है निचली वाय त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं ऊपरी तथा निचली वायु त्वचा के बीच स्थित सभी उत्कों को पर्ण मध्योतक कहते हैं मध्यों तक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं पैरनकाइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं फर्स्ट खम्भ पैरन तथा सेकेंड स्पंजी पैरन कायमा खम्भ पैरन ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं ये लंबवत समानांतर होती हैं स्पंजी पैरन कायमा खम्भ कोशिकाओं से नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा बाह्य गोयिकाएं होती हैं संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं इन बंडल शिराओं तथा मध्य शिरा संवहन बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है शिराओं की मोटाई द्विबीज पत्रियों पत्री पत्तियों की जालिका शिराविनस में भिन्न होती है संवहन बंडल संयुक्त तो फ्लोएमी तथा दारुक होते हैं प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ती वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है इसे बंडल आच्छत कहते हैं चित्र 6.8 आ देखो और संवहन बंडल में जाइलम के स्थान को देखो यह है आपका 6.8 पत्ती के अनुपस्त्र काट और यह है इसका आ द्वि बीज पत्री सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स यानी एक बीज पत्री पत्ती एक समृद्धि पार्श्व का शारीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शारीर अधिकांश समान ही है लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हैं उसमें ऊपरी तथा निचली बाय त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और उसमें दोनों सतह पर अंदरों की संख्या लगभग समान होती है ये इसका डायग्राम है वा घास में ऊपरी व त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी खाली तथा रंगहीन होती हैं इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक् कोशिका कहते हैं जब कोशिकाएं है स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड़ जाती हैं एक बीच पत्ती की पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर होता है इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान होता है सिक्स पॉइंट फोर द्वितीयक वृद्धि मूल तना तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभज्या की सहायता से बढ़ते हैं इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं अधिकांश द्विबीज पत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है और इस वृद्धि को द्वितीय वृद्धि कहते हैं यह है एक बीज पत्री मूल तथा तने में नहीं होता जिम्नोस्वम के तने तथा मूल में भी द्वितीय वृद्धि होती है जो उतक द्वितीय वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पाशर्वी मेरिस्टेम संवहन कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम कहते हैं

हो जाती हैं और एक अंतरा पुलि कैम्बियम बनाता है इस प्रकार के कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है 6.4.1.2 कैम्बियम छल्ले की क्रिया कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती हैं वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं और जो बाहर की ओर होती हैं वे द्वितीयक फ्लोयम बनाती हैं कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जबकि बाहर की इतना सक्रिय नहीं होता

द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं 6.9 डायग्राम आप यहां देख सकते हैं 6.4.1.3 बसंत दारु तथा शरद कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है जिसकी गुहिका चौड़ी होती है बसंत के मौसम में बनने वाली कास्ट को बसंत दारू तथा अथवा अग्र दारू कहते हैं सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और सक्रिय मनाता है इस कास्ट को शरद दारू तथा पश्चिमारू कहते हैं बसंत का रंग हल्का होता है और उसका घनत्व भी, भी कम होता है शरद दारू गहरे रंग की होती है और उसका घनत्व भी अधिक होता है दो प्रकार के कास्ट एकांतर संकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं और आप इन वार्षिक वलयों को गिन कर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं 6.4.1.4 अंत काष्ट तथा सरदारु लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीय जयलम का अधिकांश भाग विशेषतः तने का केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है और इसे अंत काष्ट अथवा कठोर दारु कहते हैं अंत काष्ट में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिन रेजिन तेल गोंद खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं और ये पदार्थ अंत काष्ट को कठोर चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निफाइड होती है और इसे हृददारू कहते हैं अंतःकाष्ठ पानी का संवहन नहीं करता यह केवल तने को यांत्रिक सहारा देता है द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रसदारू कहते हैं जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है 6.4.2 कॉर्क कैम्बियम जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों बाहरी वल्कुट तथा वाह त्वचा तो की सतहें टूट जाती हैं और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है इसलिए एक दूसरी मैरिस्टमी उतक तैयार हो जाता है जिसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं यह प्राय वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है यह कुछ सतह मोटी तथा सक्रिय पतली वित्ती वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है कागजन दोनों और कोशिकाओं को बनाता है बाहर की ओर की कोशिकाएं काक अथवा काग में बढ़ जाती हैं और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीय अथवा काक अस्तर में विभेदित हो जाती हैं काक में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिकाएं भित्ति पर सुबेरिन जमा रहता है द्वितीय बलकुट की कोशिकाएं पैरन होती है तथा कागजन काक तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं काक कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत तथा वाय त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं क्रियाशील कार कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल बल्क बनाते हैं छाल बल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वायका कैम्बियम से बाहर तक की ऊतक को संदर्भित करता है अतः इसमें द्वितीय फ्लोयम भी शामिल है मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं छाल बल्क की रचना में विभिन्न प्रकार की सम्मिलित कोशिकाओं के नाम लिखें

द्विबीज पत्र मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णता द्वितीयक है यह फ्लोयम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है इसके आगे की घटनाएं द्विबीज पत्री तने की तरह ही होती हैं जो ऊपर बताई जा चुकी हैं जिम्नोसपम की मूल तथा तने में भी द्वितीय वृद्धि होती है एक बीज पत्र पौधों में द्वितीय वृद्धि नहीं होती आप ये डायग्राम देख सकते हैं सारांश शारीरिक दृष्टि से पौधा विभिन्न प्रकार के उतकों से बना है शीर्ष तथा 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 अंतर्वेशी तथा सरल तथा जटिल में विभक्त होते हैं उतक अनेकों कार्य करते हैं जैसे स्वांगीकरण यांत्रिक सहारा संचय तथा पानी खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी जैसे पदार्थों का संवहन वाहि तंत्र में वाह त्वचि कोशिकाएं रंध्र तथा वाह त्वचि उपांग होते हैं तीन प्रकार के उतक तंत्र होते हैं जैसे वाहि भरण तथा संवहन भरण उतक तंत्र के तीन क्षेत्र होते हैं वलकुट एनिकॉर्टेक्स परिरंभ तथा पित्त संवहन उतक तंत्र में जाइलम तथा फ्लोयम होता है जाइलम तथा फ्लोयम की स्थिति के अनुसार संवहन बंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं संवहन बंडल संवहन रचना बनाते हैं और पानी खनिज तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं द्विबीज पत्री तथा एक बीज पत्री पौधों की आंतरिक रचना में बहुत अंतर होता है ये प्रकार संख्या तथा संवहन बंडल की स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं द्वितीय वृद्धि द्विबीज पत्री पौधों के तने तथा मूल में होती है इससे इनका व्यास बढ़ जाता है काष्ठ वास्तव में द्वितीय जायलम है और उनके संगठक तथा समय उत्पादन के अनुसार काष्ठ विभिन्न प्रकार के होते हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपकी पूरी एक ऑडियो बुक में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है आई होप कि आपके रिविज़न में ज़रूर हेल्प करेगा और आप लोग मेरे साथ में अपने रिविज़न के तरीके को भी बच्चों कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर है ऑडियो बुक्स के साथ में एन को रिवाइज करने का और अगर आपको लगता हो कि वाकई में हेल्पफुल है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर एवरीवन जस्ट स्टे टून विद मी बाय